बैराट नगर की पुरानी अनाज मंडी के पास वार्ड क्रमांक 3 में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मुख्य द्वार के साथ दो कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखी नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोर कमरे में रखे नए कपड़े चोरी कर ले गए। इस दौरान परिजन दूसरे कमरे में सोते रहे। तड़के सुबह 3:30 बजे जब गृह स्वामी मुकेश गुप्ता लघु शंका के लिए उठे तो उन्होंने चोरी की वारदात का पता चला। दोनों कमरों के ताले टूटे थे और कमरे में अलमारी रखी थी, उसका सामान बिखरा था। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मुकेश गुप्ता ने बताया कि अज्ञात चोर अलमारी में रखे 40,000 रुपये, नकदी, सोने की चेन, अंगूठी, कान के वाले के साथ करीब 200-300 ग्राम के सोने के चांदी के गहने चुरा कर ले गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना बैराट पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। अच्छा, आज आपके यहाँ चोरी हुई, क्या क्या सामान चला गया? 40,000 रुपये की नकदी है। अच्छा, और एक सोने की लड़ाई। अच्छा, एक जोड़ी सोने की माला है। अच्छा, एक अंगूठी है सोने की, 300-400 ग्राम चांदी है, चोरी आधी चोरी पायल है। कुल कितने का सामान होगा? 2.5 लाख रुपये का। अच्छा, आपने रिपोर्ट कर दी? आपने रिपोर्ट अभी करी नहीं है, अभी PI साहब के यहाँ गए थे तो वो बोले कि 1-2 घंटे बाद आ जाना। अच्छा, पुलिस गई थी आपके घर पे? पुलिस गई थी। अच्छा, कुल कितने का सामान होगा? सामान होगा 2.5 लाख का। अच्छा, आपको कैसे पता चला गया आपके यहाँ चोरी हुई? मैं 3 बजे पेशाब करने के लिए उठा था। अच्छा,